नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पशु गाय या भैंस में मिल्क फीवर की जो प्रॉब्लम है उसको हम कैसे ट्रीट करें, कैसे पहचानें, कैसे उसका उपचार करें, तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का धन्यवाद कि आप चैनल की तरह पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और यदि आप चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच पाएं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे पशु गाय या भैंस में मिल्क फीवर को हम कैसे ट्रीट करें। तो इसमें हम पहले जनरली यदि बात करें तो जैसे हम वर्ड यूज करते हैं मिल्क फीवर, तो इसमें फीवर का मतलब होता है जैसे हम मान लेते हैं कि बुखार होना। तो मिल्क फीवर में जो पशु का हो बुखार बिल्कुल नहीं होता, बल्कि जो उसकी मांसपेशियां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, पशु लाचार हो जाता है, फिर निढाल होकर जो है मृत्यु तक जो है बात पहुंच जाती है। तो इसमें यदि हम स्टेप वाइज बात करें कि मिल्क फीवर को हम कैसे पहचानें, क्या उसके कारण है, कैसे उसके हम उपचार करें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके लिए जो पहचान है, तो जो मिल्क फीवर है हमारे पशु को जो ताज़ा ब्यात में होता है, जैसे ब्याने के बाद जो पहले 3 दिन होते हैं इसमें जो इसकी संभावना ज़्यादा रहती है, उसके बाद नए के बराबर ही संभावना रहती है। तो कहने का मतलब जो है डिलीवरी के बाद पहले 3 दिन में ही जो है मिल्क फीवर होता है, और वो भी ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं को होता है, और जो कि तीसरे चौथे या फिर इससे ज़्यादा वाले ब्यात में है, कहने का मतलब जो पहले दूसरे ब्यात में है उन पशुओं को जो है मिल्क फीवर होने की संभावना लगभग नए के बराबर है। और यदि हम बात करें कि इसकी पहचान हम कैसे करें कि जो पशु जो है मिल्क फीवर में आने वाला है, तो वो पशु जो है दिखने में सुस्त हो जाएगा दूध निकालना है उसके बाद, और फिर जो है वो जल्दी जल्दी बैठ जाता है, कुछ खड़ा भी रहता है तो बहुत जल्दी ही वो बैठ जाता है, थका थका महसूस हो जाता है, यानी कि ज़्यादा देर तक वो खड़ा नहीं रह पाता, तो इस प्रकार की पहचान हम कर सकते हैं। और यदि हम बात करें कि इसका जो कारण है वो कारण क्या रहता है, तो ये जो हम हमारे पशु को जो चारा दाना खिलाते हैं तो यदि वो संतुलित न हो तो जो फिर धीरे धीरे पशुओं में जो है मिनरल्स की जो है स्पेशली हम बात करें कैल्शियम की जो कमी हो जाती है, और फिर वो पशु जो है ब्यात के जो पहले 3 दिन में हो मिल्क फीवर में आ जाता है। तो यदि हम बात करें कि इसके लिए हम क्या कैसे समाधान करें, कैसे बचाव करें, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पशु को लगातार जो है मिनरल मिक्स खिलाते रहना है, उसको समय समय पर कैल्शियम भी जो हम दे सकते हैं, कैल्शियम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेकिन इसमें स्पेशली जो हमने वो ध्यान रखना है कि जब पशु का जो डिलीवरी का 2 मंथ रह जाते हैं तो उस टाइम हमने जो कैल्शियम हो देना बंद कर देना है, क्योंकि जब हम ऐसे इस प्रकार से डायरेक्ट जब कैल्शियम देते हैं तो हमारे पशु की जो बॉडी है वो नेचुरल जो कैल्शियम बनाती है वो बनाना बंद कर देती है, इसका आदि हो जाती है, और फिर जब हम दूध निकालते हैं तो उसकी बॉडी का जो कैल्शियम है उसके माध्यम से निकल जाता है और फिर वो मिल्क प्योर में आ जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आज यदि आप अपने पशु को खनिज मिश्रण खिला रहे हैं तो वो आप लगातार खिला सकते हैं, डिलीवरी के 2 महीने पहले बंद भी कर सकते हैं, लेकिन जो कैल्शियम आप दे रहे हैं, स्पेशल मिनरल्स आप दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल जो आपने बंद कर देने, ताकि जो पशु की बॉडी है वो नेचुरली ही जो है मिनरल्स अपने लेवल पर बना पाए। इसके बाद यदि हम बात करें कि हम कैसे उसका जो है बचाव करें, तो बचाव के लिए हम स्पेशली बात करेंगे कि जब भी आपका जो अच्छे दूध वाला है, ज़्यादा मिल्क कैपेसिटी वाला है, जिसको मिल्क फीवर होने की संभावना होती है, तो उसको जब भी डिलीवरी के बाद, वैसे हम कम दूध वाले के लिए भी अप्लाई करें तो अच्छा ही होता है, लेकिन हम स्पेशली मिल्क फीवर से बचने के लिए ज़्यादा दूध वालों के लिए तो हमने ऐसे करना ही चाहिए और 100% ही ये अपनाना चाहिए। तो हमने क्या करना होता है कि डिलीवरी के बाद, जैसे जो पहला दिन है डिलीवरी के, तो उस दिन हमने 50-60% ही जो दूध वो निकालना है, एक साथ पूरा दूध नहीं निकालना है, और दूसरे दिन हमने जो है वो 60-70% या 80% तक भी निकाल सकते हैं, तीसरे दिन फिर हम जो है 70-80% या फिर 90% तक निकाल सकते हैं, और फिर चौथे दिन जो है हम जैसे अगले 2 थनों का है वो पूरा दूध निकाल दें, पीछे 2 जो थन है उसका थोड़ा छोड़ दें, अगले दिन जो है फिर 4 थनों का बिल्कुल पूरा छत्र से जो है पूरा जो दूध हो निकाल दें। तो इस प्रकार से यदि आप 4 दिन तक जो है कंप्लीट दूध निकालने में लगा देते हैं तो जो है फिर मिल्क फीवर आने की संभावना काफी हद तक जो है कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आप मिल्क फीवर आने में से जो है बचाव कर सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें, आपका पशु चाहे कम दूध का हो, ज्यादा दूध का हो, यदि आप कम धीरे धीरे करके जो दूध उसको खाली करें तो काफी अच्छा है मिल्क फीवर के लिए भी। और कई बार हम देखते हैं कि हमारा पशु जो है सर्दी के मौसम में ज्यादा ठंड मान जाता है, ज्यादा जो है सर्द मान जाता है, तो उसके लिए भी चाहे वो कितने भी दूध का, यदि आप इस प्रकार से उसको खाली करते हैं तो सर्द में आने का जो संभावना वो कम हो जाती है और मिल्क फीवर आने की जो है वो भी संभावना कम हो जाती है। तो विशेष प्रकार से आप ध्यान रखें कि जो आपका ज्यादा दूध वाला पशु है या फिर कम दूध वाला पशु है उसका पूरा 1 दिन से जो है पूरा दूध आप नहीं निकाले, उसको 3-4 दिन में जो है पूरा दूध निकालना शुरू करें। तो इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा पशु जो है मिल्क फीवर में जो है आने की उसके जो है संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे वो थका लग रहा है, वो जल्दी बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, और बैठने के तरीके में भी यदि हम बात करें तो बैठने के बाद जो अपनी गर्दन
एकदम पीछे मोड़ के बैठता है, जैसे जो है वो निढाल टाइप का आपको देखने को मिले, तो इस प्रकार से बैठ जाता है और गर्दन भी उसकी जो है टाइट हो जाती है। तो इस प्रकार के आपको लक्षण दिखें तो आपने इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है, तो इसमें हमने जो है कोई अलग जो देसी दवा हम मानते हैं तो उस पर डिपेंड ना होकर हमने जल्दी से जल्दी हमारे नज़दीकी जो डॉक्टर हैं उसको बुलाना है, उसके से जो है हमारे पशु को जो डायरेक्ट कैल्शियम हम जो लगवाते हैं नस के माध्यम से, तो वो हम लगवा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो परसेंट है जो डॉक्टर्स हैं वो नस के माध्यम से कैल्शियम लगा देते हैं और उसका कुछ महज परसेंट जो है चमड़ी के नीचे भी लगाते हैं। चलो खैर ये तो बात है कि ये डॉक्टर्स पर डिपेंड है कि वो कैसे उसका ट्रीटमेंट करता है, लेकिन यदि आपको लगे कि जो मिल्क फीवर की संभावना हो आपके पशु में दिख रही है तो आपने जल्दी से अपने नज़दीकी डॉक्टर को बुलाना है और उसको जो है कैल्शियम जो मिनरल्स हैं वो आपने लगवाने हैं, ताकि आप मिल्क फीवर जैसी जो समस्याएं हैं आपके पशुओं में उसे आप बच सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकें। और जो बड़े लॉस हम कई बार हमने देखने को मिलता है, आपने भी अपने आसपास में कभी देखा होगा, तो उस प्रकार के लॉस से हम बच सकें। तो आज की वीडियो में मैंने मेरे जो विचार हैं गाय भैंस में जो है मिल्क फीवर के ऊपर जो है मेरे विचार आपके साथ जो है साझा किए, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपने इसको पसंद किया तो लाइक और शेयर।